हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से मैं अपनी एक नई जर्नी शुरू कर रही हूँ आपके साथ। मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर बन रहा है। सो उसके रिलेटेड मैं आपसे अपनी सारी जर्नी जो है अब के बाद वाली सारी शेयर करना चाहती हूँ। एंड इससे पहले मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाहती थी कि बन जाए उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आई रियली वॉन्ट कि आप लोगों को भी मैं बताऊँ क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, वीडियोज़ नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप लोग बोलते हो क्योंकि उन आप शूट नहीं कर रहे हो। सो आई रियली वॉन्ट कि मैं आप सबको बताऊँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, और इस वक्त भी मैं बाहर ही हूँ। और इस वक्त हम थोड़ा सा कुछ खाने वाले हैं, हम लोग घर के लिए ही सामान जो है वो खरीद रहे हैं। एंड मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगी आपके लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। और आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। घर बनाना सचमुच में बहुत मुश्किल होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर के हमने बनाया है, और सचमुच में अब मुझे सजेशन की ज़रूरत है जिसके लिए मैं अब आपके पास आई हूँ। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेशन दें बहुत सारी। सो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अब तक जो काम है वो कहाँ पहुँचा है और क्या बनाया है, कैसे बन रहा है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा प्यार देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हल्का सा क्लिपिंग मैं आज ऐड करूँगी। अगर आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मैं आप तो ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा। तो चलिए देखिए। सो गाइज, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ टाइल्स देने के लिए वॉशरूम में, जो हाइलाइटर्स का काम करती हैं, यानी कि तड़कती भड़कती टाइल्स होती हैं जो बीच में कहीं कहीं लगती हैं, तो वो लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। और ये डील चल रहा था, ले ली थी इसकी बिलिंग के लिए बैठे हुए थे। आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बहुत तरह की टाइल्स होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है चूज़ करना, बहुत टाइम जाता है इस चीज़ में, और जहाँ लगाने वाले हैं उसकी भी क्लिपिंग आपको दिखा दी। यहाँ इस जगह पर ये टाइल्स जो हैं वो लगने वाली हैं, आप इसको गैलरी बोल सकते हो। तो थोड़ा थक गए हैं और थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो हम लोग बर्गर खाने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड मैं अभी जो है वो बर्गर ले रहे हैं, भूख बहुत लगी थी तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घर जाके खाना बनाना है। आज गेस्ट भी आने वाले हैं शाम को, एंड मैं सुबह भी जा रही हूँ कहीं, वो भी आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। बहुत अर्जेंटली जाना पड़ रहा है कहीं पर, तो वो भी शेयर करूँगी। तो थोड़ा खा लेते हैं क्या सोचती हूँ। सो मेरा बर्गर हो गया है रेडी, तो लीजिए आप लोग भी शेयर कीजिए। मुझे नूडल्स बर्गर खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे मैं बहुत कम खाती हूँ बिकॉज माई बेबी सो छोटा अभी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग खा लेते हैं जब मुझे टाइम नहीं होता है, हम लोग बहुत देर के लिए बाहर होते हैं तब हम खा लेते हैं। मैं खा लेती हूँ, उन्होंने नहीं लिया था क्योंकि वो बाहर का बहुत कम खाते हैं हम दोनों ही। मैंने सिर्फ लिया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, फीड जब लेते हैं बच्चे तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो उसकी वजह से मैंने ये लिया है। भूख बहुत लग गई थी भाई, क्या करूँ आपको। सो ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। टाइल्स को लेकर के अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप कोई मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से वो आप ज़रूर मुझसे ले सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँ, और मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आप सबके कॉमेंट्स, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, और बहुत बहुत अच्छा फील होता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा जाम था और मुझे बहुत कभी कभी खिंच भी आने लग जाती। सो गाइस, ये मेरी कॉलोनी है जहाँ मैं रहती हूँ जलंधर में, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, सब कुछ बताऊँगी आपको। फ़िलहाल आप आज लोकेशन देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ ये है वो जगह। तो देखिए आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और काफ़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर आप कोई घर वगैरह ढूंढ रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ जगह ले सकते हो जलंधर में। सो यस, ये मेरे घर के पास बिल्कुल पास में स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, आई थिंक ये 8th या 8th तक हाँ स्कूल है ये। तो मैं चाहूँ तो मैं नमन को यहाँ भी एडमिट करवा सकती हूँ जब वो बड़ा होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल घर के पास है, मेरे घर के गेट पे खड़े होके दिखता है ये वाला स्कूल। तो घर आके मुझे बहुत भूख लग गई थी, बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। आज काफ़ी दिन हो गए थे खाया नहीं था, तो ये मैंने चॉप कर लिए थे अनियन और कैप्सिकम, टमाटर हैं, पनीर है, और मुझे वेजी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो ये बेस हैं पिज़्ज़ा बेस, बहुत आसानी से बेकरी की शॉप में मिल जाते हैं। और ये पिज़्ज़ा चीज़ है जिसको हम मोज़रेला बोलते हैं, और ये
स्प्रेड है, सॉस है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसको आप बोल देते हो, वही है। तो उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया था। उसके लिए आपको चाहिए घर का मक्खन, बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हो, मैं घर का यूज़ करती हूँ ज़्यादा करके। तो दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट, अगर आप बनाना चाहते हो बहुत आसान है, बिना ओवन के मैं बनाती हूँ, तवा पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया और उसको पिघला लेना है आपको अच्छे से। घी नहीं लेना है, घी बिल्कुल नहीं लेना है आपको, मक्खन ही लेना है। तो ये देखिए इसको लेकर के पिघला, जैसे ही पिघल जाए आपको इसमें अनियंस और कैप्सिकम्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं लाइक दिस। टमाटर इसलिए ऐड नहीं करना है क्योंकि वो जल्दी गल जाता है, तो हमें 2-3 मिनट के बाद आप ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए हल्का सा जैसे पिंक पिंक होने लग जाए ना प्याज, तो उसके बाद हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे, हल्का सा ये ढल जाए। तो हमको इसको हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई। ये देखिए इसके बाद मैंने इसमें टमाटो ऐड कर दिए, जैसे ही हल्के पिंक होते हैं, और ये जो धुआं है वो मेरे कैमरे पे आ रहा है सो आई एम सो सॉरी। साथ में आपको पनीर ऐड कर देना है इसमें। सारी सब्जियों को हमें हाफ फ्राई करना है, हाफ फ्राई इसलिए करना है कि जब हम पिज़्ज़ा खाएं तो इनका क्रंच जो है वो हमारे मुंह में अच्छे से आए। तो हल्का सा फ्राई करना है ताकि कच्ची ना रहे और क्रंची रहे, इसलिए हाफ फ्राई करना है। तो हल्के हल्के हाथ से इसको हिला लेना है। जैसे ही आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हल्का सा नमक इसमें हमें ऐड कर देना है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ और नमक और हल्की सी मिर्ची, ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल लाइट रेड चिली पाउडर जो हम मैं घर पे पीसती हूँ, रेड चिलीज को सुखा करके। अब देखिए ये भी ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। और ये थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया, ज़्यादा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहते हो ऐड करना कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर ये पास्ता सॉस लगा रही हूँ, आपको हल्का सा आधा चम्मच लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लेना है, अच्छा नहीं लगता मुझे, आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हो। तो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था, इसको इस तरह से चम्मच की हेल्प से आप स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा वाला नाइफ है आप उसके साथ भी कर सकते हो, तो मुझे ये इजी लगता है तो मैं इसके साथ कर लेती हूँ। कैसा बन रहा है कमेंट अभी पॉज करके ना प्लीज़ बताना, अभी आपको कैसे लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे को एक बार पॉज करके ज़रूर बताना कि मुँह में पानी आ रहा है। मुझे वॉइस ओवर देने में ही मुंह में इतना पानी आ रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरा बहुत फेवरेट वाला ही चीज़ है ये, मैं बनाती ही रहती हूँ और इस वक्त भी मैं किचन में ही हूँ। सो इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इस तरह से अच्छे से लगा लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसमें हमें जो हमने बनाया था मिक्सचर सब्जियों का उसको टॉप करना है इसके ऊपर, अच्छे से टॉप कीजिएगा। आप चाहें तो बेस के ऊपर पहले ही थोड़ा सा मोज़रेला जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे आपकी टॉपिंग जो है वो और अच्छे से स्टिक होती है आपके बेस के ऊपर। तो मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं खाना था तो इसलिए मैंने नीचे टॉप नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप चीज़ लवर हो तो आप कर सकते हो। अच्छे से इसको इस तरह से चॉप करना है, इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़, जो मेरा फेवरेट वाला पार्ट है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मोज़रेला चीज़ कैसा लगता है, जो चीज़ पिज़्ज़ा के ऊपर टॉप होता है। तो जो चीज़ आपने देखा होगा, जो मैंने चीज़ आपको पहले दिखाया ना, मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, वो ख़राब हो गया था, आपको पता है वो फूला हुआ था, मैंने अपने हबी से मंगवाया था, उन्होंने चेक नहीं किया और इसके बाद मैं दोबारा चेंज करके फटाफट से लेके आई और इसको अच्छे से मैंने इस क्रश के साथ इसके ऊपर शेड कर लिया था। इसी तरह से आपको करना है, अच्छे से इसको शेड करके मत रखिएगा क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, अच्छे से लगता नहीं है, तो ऊपर ही टॉप कर लीजिएगा उसको। ये तवा लिया है मैंने, नॉन स्टिक तवा है, आप कढ़ाई ले सकते हो, घर में नॉर्मल कढ़ाई है चौड़ी वाली जिसमें पिज़्ज़ा फिट हो जाए वो भी ले सकते हो, मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, वो भी आपको दिखा दूँगी। इसके ऊपर आपको लगाना है गैस को, ज़्यादा आपको फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रख के इसको इस तरह से किसी डोम शेप बर्तन के साथ कवर कर देना अच्छे से, और इसको पकने का थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना, और ये चीज़ जो है ना हल्के हल्के मेल्ट हो जाएगा। पिज़्ज़ा जो है इस तवा पे ओवन की तरह तो चीज़ मेल्ट नहीं होता, लेकिन बहुत क्रीमी वाला फैल जाता है और खाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो और इसको हीट देने के बाद ये और पिघल जाएगा। ये देखिए मैं कढ़ाई में भी आपको बना के दिखा देती हूँ, मेरे पास इस तरह की फ्लैट कढ़ाई है, तो इसको आप सीधा हाथ से इसके बीच में ऐसे रख देना और वैसे ही सेम डोम शेप बर्तन के साथ
इसको ढक देना अच्छे से, तो ये अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा आपका गैस के ऊपर ही। आपको कोई ओवन नहीं चाहिए, मेरे पास अभी ओवन नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे पास अभी ओवन नहीं है, जब घर बन जाएगा तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। यहाँ रखने के लिए जगह भी नहीं है किचन में, बहुत छोटी किचन है। 5 मिनट है शाम के और आज तारीख है 4 फरवरी, यस आज 4 फरवरी है और आज बहुत 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 खुशी का दिन है मेरे लिए एक यूट्यूबर होने के नाते। आज सचमुच में मुझे बहुत अच्छी बहुत बड़ी खुशी मिली है। आई नो कुछ लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरी मेहनत जो है वो फल दे रही है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मुझे मेरा यूट्यूब यानी कि गूगल एडसेंस का पिन मिला है जिससे यूट्यूब जो है वो आपका एड्रेस जो है वो कन्फर्म करती है, जिसकी जिसके बाद आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो मिल जाता है। बहुत बड़ी बात होती है, आप मेहनत करते हो और जब आपको उसका फल मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे चैनल को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और बिना किसी फल की इच्छा के मैंने अभी तक काम किया है, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है मैंने। मेरी ही गलती की वजह से मेरा पिन जो था वो बहुत लेट हो गया और आज मुझे ये मिल गया है। मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल, 2000 मार्च में 2 साल हो जाएंगे, तो मैंने 17 में स्टार्ट किया था, 18 में 2018 मार्च में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मेरी पहली वीडियो गई थी 25th of March 2018 में और 18 to 19 और अब 2020 में मार्च में 2 साल हो जाएंगे। तो यस मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे मेरा पिन मिल गया और मेरा बेबी सो रहा है अभी, तो मेरे बोलने से अभी इसको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और मैं खाना खा रही थी जो अब नहीं खाऊँगी और मेरा बेबी उठ गया है, सो मैं अभी वापस आती हूँ। सो गाइज़ ये पिज़्ज़ा तो बदल गया मेरी सेलिब्रेशन में, क्योंकि मुझे मेरी पहली सैलरी जो थी वो मिल गई थी और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू ऑल माय फैमिली, माय स्टे ब्यूटीफुल फैमिली, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्ट। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरा जो ये चैनल है वो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, आप लोगों का प्यार ही है। थैंक यू सो मच सो मच सो मच फॉर योर लव, आई लव। आप इसी तरह से मुझे प्यार देती रहिए और मैं आपको इसी तरह से अपनी मेहनत से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आपको ज़रूर सेलिब्रेशन में शामिल करूँगी। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ब्यूटिफुल, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।